इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज फिर से नए टॉपिक के साथ आई हूँ। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कोरेटा। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि कोरेट एनिमल होते हैं, उनके थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टर्स होता है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोर, सेकंड जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स होता है वो है प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर डोर्सल नर्वा कोर्ड, और थर्ड जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स होता है वो है प्रेजेंस ऑफ गिल स्लाइड। ये तीनों जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो कोरेट एनिमल की लाइफ साइकिल की किसी भी स्टेज के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे वो लार्वा हो, प्यूपा हो या एडल्ट हो। किसी भी एक यदि स्टेज के अंदर प्रेजेंट है तो वो भी कोरेट एनिमल माना जाएगा। देखिए, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कोडेड एनिमल में फंडामेंटल कैरेक्टर्स के अलावा भी कुछ स्पेशल और कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर भी कोडेटा की बहुत सारी कैटेगरीज बनाएगी जिनके अंदर एनिमल को रखा गया। देखिए, पृथ्वी पर जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम के अंदर 95% स्पीसीज होती है वो क्या होती है? नॉन कोडेड स्पीसीज होती है, और उनमें 5% जो स्पीसीज होती है वो कोडेड स्पीसीज होती है। आप देखिए, एक कोरेटा का मीन्स क्या होता है? कोरेटा को दो डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया। कोरेटा का जो शब्द है, सबसे पहले बालफोर नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1880 के अंदर ये शब्द दिया गया, ये वर्ड दिया गया। इसकी दो डिवीजन है, एक है प्रोटो कोरेटा, एक क्रिनेटा या लोअर कोरेटा। प्रोटो कोरेटा को बोलते हैं, एक क्रिनेटा भी बोलते हैं इसको, और लोअर कोरेटा भी बोलते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है, यूरो कोरेटा या एक क्रिनेटा या हायर कोरेटा, ठीक है ना। देखिए, इनमें प्रोटोकोरेटा कैटेगरी बताती हूँ। इनमें क्या होती है? जो नोटोकोड होती है वो लाइफ टाइम पाई जाती है। नोटोकोड होती है वो लाइफ टाइम पाई जाती है। मतलब इनमें क्या होते हैं? नोटोकोड है वो मॉडिफाइड हो जाती है। किसके अंदर? वर्टिबल कॉलम के अंदर मॉडिफाइड हो जाती है, हायर कोडेड के अंदर। देखिए, बात करते हैं अपर प्रोटोकोडेड की। प्रोटोकामिंस होता है फर्स्ट, प्रोटोकामिंस होता है फर्स्ट जो एनिमल जिनकी ओरिजिन कोरेटा के अंदर सबसे पहले हुई, कोरेटा एनिमल में सबसे पहले ओरिजिन हुई है, उनको किस में रखा गया? प्रोटो कोरेटा के अंदर रखा गया। दूसरा, इनको एग्रीनेटा भी कहते हैं, वे एनिमल जिनके अंदर क्रेनियम अब्सेंट होता है। देखिए, ये वाला हेड वाला पोर्शन होता है, आगे वाला फेस होता है, और पीछे वाला क्या होता है? क्रेनियम होता है, क्रेनियम कपाल होता है, ठीक है ना। अब देखिए, इनमें क्या होता है? ये इस प्रोटोकोरेटा के अंदर क्रेनियम क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्रेनेटा भी कहा जाता है। देखिए, बात करें कि क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम होता है स्कल प्लस ब्रेन। ब्रेन होता है न्यूरॉन्स का गुच्छा होता है, स्कल होता है वो हड्डियों का बना हुआ ढांचा होता है। देखो, अपना जो ब्रेन होता है वो हड्डियों के बने हुए ढांचे, जिसको बोलते हैं स्कल, स्कल के अंदर फिट होता है, जिसको क्रेनियम बोलते हैं। अपन में तो क्रेनियम पाया जाता है, लेकिन प्रोटोकोडेट्स के अंदर क्रेनियम क्या होता है? वही एब्सेंट होता है। बात करें अपन ये जो प्रोटोकोडेट्स होते हैं, इनको लोअर कोडेट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोअर है, इनके अंदर कोरेटा के एडवांस कैरेक्टर नहीं पाए जाते। ये एडवांस होते हैं, ये एडवांस नहीं होते। मतलब कह सकते हैं कि इनके अंदर ये मतलब हाइयर है, इनके अंदर कैरेक्टर है, सभी कोरेट जो कैरेक्टर है वो डेवलप टाइप से होते हैं या डेवलप टाइप के पाए जाते हैं, इनके अंदर डेवलप टाइप के नहीं होते। बात करें, ये जो कोरेट एनिमल है वो मेराइन वोटर के अंदर पाए जाते हैं, समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। और बात होती है इनके अंदर श्वसन के लिए गिल स्लाइड्स पाई जाती है। मतलब यदि हमेशा ये पानी के अंदर रहते हैं तो इनके अंदर श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल स्लाइड्स के द्वारा होते हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स भी है कोरेट का। एक देखिए, इनके अंदर यदि ये अपनी कंप्लीट लाइफ यदि पानी के अंदर ही गुजारते हैं तो इनके अंदर जो गिल स्लाइड है वो एम्ब्रियो के अंदर भी पाए जाएंगे, और किसमें पाए जाएंगे? एडल्ट के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कंप्लीट लाइफ है जो पानी के अंदर ही गुजरती है, इसलिए इसके अंदर गिल स्लाइड होते हैं, वो लाइफ टाइम गिल स्लाइड पाए जाते हैं। बात करते हैं इनके अंदर क्या होता है, इस कलर ये चेंज होता है। बात करें इनके अंदर जो प्रोटोकोडेटा है, इसको दो सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो सब फाइलम है वो है यूरोकोरेटा, और सेकेंड जो सब फाइलम है वो है सिफलोकोरेटा। देखिए, मैंने बताया हेमिकोरेटा का जब क्लासिफिकेशन किया, उसने बताया कि हेमिकोरेटा को पहले किसमें रखा गया? कोरेटा के अंदर रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि उसके माउथ के अंदर एक बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकोड नामक संरचना पाई जाती है जो नोटोकोड के समान होती है, ठीक है ना। तो उस नोटोकोड के समान होने के कारण पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया? कोरेटा के अंदर रख दिया। लेकिन बाद में रिसर्च हुई कि जो माउथ के अंदर जो स्टोमोकोड है वो ट्रू टाइप की नोटोकोड नहीं है, फॉल्स टाइप की नोटोकोड है, इसलिए उस सब फाइलम को हटाकर किसमें रख दिया गया? मतलब अदर से उसका एक फाइलम बना दिया गया, सेपरेट फाइलम बना दिया गया। प्रेजेंट में अपन इसमें दो ही
बारे में पढ़ते हैं, यूरोकोरिटा और सिफिलोकोरिटा। देखो यूरो का मीन्स क्या होता है, यूरो का मीन्स होता है टेल और कोरिटा का मतलब होता है नोटोकोड। देखो यूरो का मतलब टेल, कोरिटा का मतलब होता है नोटोकोड। वे एनिमल जिनके अंदर टेल के अंदर नोटोकोड पाई जाती है, पूंछ के अंदर क्या पाई जाती है, नोटोकोड पाई जाती है, ऐसे एनिमल को किसमें रखा गया, यूरोकोरिटा के अंदर रखा गया। देखिए इस फाइलम को क्या होता है, ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो जो एनिमल्स रखे गए हैं उनकी बॉडी के चारों ओर ट्यूनिसिन का बना हुआ एक आवरण पाया जाता है, इसलिए इन एनिमल को क्या कहा गया, ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ये जो एनिमल्स यूरोकोर्डेड एनिमल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, लार्वा जो कोर्डेड जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ओनली लार्वा अवस्था के दौरान ही पाए जाते हैं, एडल्ट के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका लार्वा तो होता है वो एडवांस टाइप का होता है और एडल्ट क्या होता है वो एडवांस टाइप का नहीं होता। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इनका जो लार्वा होता है वो क्या होता है, इनका लार्वा होता है वो एमिसोट लार्वा कहलाता है। अब देखो बात करें इसकी, थ्री क्लासेज होती है, लार्वेसिया, एसिडेसिया और थैलेसिया, तीन क्लास होती है। बात करें इनके अंदर लार्वेसिया की क्लास की बात करें तो लार्वेसिया क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि इस लार्वेसी क्लास में जो एनिमल्स रखे गए हैं वो मेटामॉर्फोसिस नहीं करते, मतलब मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होते, जबकि एडल्ट में कन्वर्ट न होकर ये क्या करते हैं, लार्वा अवस्था के अंदर प्रजनन करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इनको लार्वेसिया नाम रखा गया। देखिए इसके अंदर न्यूटेनी, मतलब ये लार्वा अवस्था में क्या कर देती है, प्रजनन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्यूटोजेनेसिस या न्यूटेनी कहा जाता है। तो इन एनिमल के अंदर क्या पाई जाती है, न्यूटेनी पाई जाती है। बात करें इनमें क्या होता है, परमानेंट टेल प्रेजेंट, इनमें टेल होती है वो हमेशा प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये लार्वा अवस्था में रहते हैं और लार्वा अवस्था जो होती है वो स्विमिंग करती है हमेशा, और स्विमिंग करती है तो टेल की रिक्वायरमेंट होती है, टेल क्या करती है, स्विमिंग में हेल्प करती है, तो इनके अंदर टेल क्या होती है, परमानेंट या हमेशा पाई जाती है। बात करें इनके अंदर जो बॉडी के चारों ओर ट्यूनिसिन का जो आवरण होता है वो स्टेबल नहीं होता, मतलब बार बार उसको उतारना पड़ता है, बॉडी से क्या करते हैं बार बार ये उतारते रहते हैं, जैसे कैचुली उतारते हैं सांप बार बार में, उसी प्रकार ये ट्यूनिसिन के कवर को बार बार में क्या करते हैं, बॉडी से उतारते रहते हैं, स्टेबल नहीं होता। एग्जाम्पल है ओक्यूप्लूरा, ओक्यूप्लूरा जो एनिमल होता है वो लार्वेसिया का एनिमल है, लार्वेसिया क्लास का। दूसरी है एसिडेसिया, देखिए इनमें क्या होती है, टेल एब्सेंट होती है, मतलब लार्वा के अंदर तो टेल पाई जाती है लेकिन एडल्ट में क्या होती है, टेल एब्सेंट होती है। इनके अंदर जो बॉडी के चारों ओर ट्यूनिक का ट्यूनिक जो आवरण होता है, ठीक है ना, तो ये आवरण क्या होता है, स्थायी होता है, मतलब बार बार में ये एनिमल्स होते हैं अपनी बॉडी से रिमूव इस आवरण को नहीं करते। इन्हें क्या होता है, इस एनिमल इस जो क्लास के अंदर रखा गया है, हेडमानिया को सी स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है या समुद्री आलू के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा एसिडिएसिया इसका एग्जांपल है। थर्ड पढ़ते हैं अपन क्लास थैलेसिया। देखिए थैलेसिया में जो बॉडी के चारों ओर ट्यूनिसिन का जो बना हुआ आवरण होता है, भाई यूरोकोरिटा की क्लास है, इसका मेन क्या है, बॉडी कवर्ड बाई ट्यूनिक के द्वारा बॉडी कवर्ड होती है, तो इसमें जो ट्यूनिक होता है वो हमेशा परमानेंट होता है, मतलब बार बार में उतारते नहीं है। एग्जाम्पल है पाइरोसोमा, दूसरा है साल्पा और तीसरा है डोलियोलम। अब देखिए ये तो एक यूरो एक सब फाइलम हो गया यूरोकोरिटा, अब सेकेंड सब फाइलम पढ़ते हैं अपन सिफिलोकोरिटा। ये सिफिलोकोरिटा जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो कोडेड लक्षण है, देखो इनके अंदर कोडेड लक्षण किसमें पाए जाते हैं, कोडेड कैरेक्टर प्रेजेंट इन ओनली लार्वा, इनके अंदर क्या होते हैं, कोडेड कैरेक्टर होते हैं वो लार्वा के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और एडल्ट के अंदर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं एडवांस टाइप के कोडेटा होते हैं, मतलब देखो कोडेटा कैरेक्टर प्रेजेंट इन बोथ, मतलब एडल्ट में भी प्रेजेंट है और लार्वा के अंदर भी कोडेड कैरेक्टर प्रेजेंट है। देखिए इनकी बॉडी होती है वो फिश लाइक होती है, मछली के आकार की होती है, लेकिन फिशेज के अंदर पैर के अंदर फिन्स पाई जाती है, मतलब जो इनके अंदर जो फिन्स होती है वो क्या होती है, पैर के अंदर होती है, लेकिन इनके अंदर फिन्स होती है वो पैर के अंदर नहीं होती। देखिए ये फिश होती है, इसके अंदर फिन होते हैं वो पैर के अंदर होते हैं, लेकिन इसके अंदर पैर के अंदर नहीं होती, अनपैर होते हैं। इसकी एक क्लास है लेपिडोकार्डी, ठीक है ना, लेपिडोकार्डी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, लेंसलेट एनिमल के नाम से भी जाना जाता है और इसका एग्जांपल है एम्फीऑक्सस। ठीक है, अब अपन चलते हैं वर्टिब्रेटा की ओर चलते हैं और वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए वर्टिब्रेटा या यूरोकोरिटा,
भाई यूरो का मतलब होता है डेवलप प्रकार के एनिमल, ठीक है ना, जिनके अंदर क्रेनियम पाया जाता है। क्रेनेटा का मीन्स होता है कि वे एनिमल जिनके अंदर क्या होता है क्रेनियम प्रेजेंट होता है, वे एनिमल जिनके अंदर क्या होता है क्रेनियम प्रेजेंट होता है, उन सभी एनिमल को किसमें रखा गया, क्रेनेटा के अंदर रखा गया। देखिए बात करते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो ब्रेन होता है वो क्या होता है स्कल के अंदर या करोटी के अंदर क्या होता है फिट होता है, मतलब हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा होता है उसके अंदर ब्रेन होता है वो फिट होता है, तो क्रेनियम इनके अंदर पाया जाता है। देखिए इनकी एक बड़ी इसका एक बड़ा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, इसको वर्टिब्रेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस फाइलम के अंदर जो नोटोकोर थी वो क्या हो गई भाई वर्टिब्रेटा के अंदर छोटी छोटी बोन्स के अंदर कन्वर्ट हो गई, इसलिए इस सब फाइलम का नाम क्या दिया गया वर्टिब्रेटा सब फाइलम दिया गया। किसमें कन्वर्ट हो गई मॉडिफाइड नोटोकोर मॉडिफाइड इन वर्टिबल कोलम, ठीक है। अब देखो इसके दो ग्रुप बनाए गए, एक एग्नेथा है दूसरा है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जो ग्रुप है एक का मतलब एब्सेंट, नेथा का मतलब जा, वे एनिमल जिनके अंदर जबड़े मतलब जा एब्सेंट हो, वे एनिमल जिनके अंदर जबड़े क्या हो एब्सेंट हो, उन सभी एनिमल्स को किसमें रखा गया एग्नेथा के अंदर रखा गया। देखिए इसकी आगे दो क्लासेज हैं, एक है ओस्टेकोडर्माई और दूसरी क्या है भी इसे आगे दो अलग कैटेगरी बनाई गई इसकी, एक तो है ओस्टेकोडर्माई और दूसरी है साइक्लोस्टोमेटा। देखो ओस्टेकोडर्माई है वो फर्स्ट वर्टिब्रेट एनिमल है, देखिए इसमें फर्स्ट जो वर्टिब्रेट एनिमल है, देखिए इसके बाद में कौन सा आता है वर्टिब्रेट आता है, तो वर्टिब्रेटा में सबसे पहला कौन सा है ओस्टेकोडर्माई, ठीक है ना। तो ओस्टेकोडर्माई में क्या हुआ इनको फर्स्ट वर्टिब्रेट एनिमल भी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में ये विलुप्त हो चुकी है, एग्जिट हो चुकी है, सिफिलेक्सिस इसका एग्जाम्पल है। देखिए बात करते हैं अपन साइक्लोस्टोमेटा की, बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की, तो साइक्लो का मीन्स होता है सर्कुलर, ठीक है ना, साइक्लो का मीन्स होता है सर्कुलर और स्टोम का मतलब होता है माउथ, वे एनिमल जिनका माउथ क्या होता है सर्कुलर होता है, उन सभी एनिमल्स को किसमें रखा गया साइक्लोस्टोमेटा के अंदर रखा गया। इनकी जो बॉडी होती है वो फिश लाइक होती है, फिश लाइक होती है लेकिन फिश नहीं होती, वो फिश लाइक बॉडी होती है, मतलब इन इस साइक्लोस्टोमेटा के जो एनिमल्स होते हैं इनको फॉल्स फिश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, फॉल्स फिश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके अंदर ट्रू टाइप के जबड़े, इनमें जबड़े तो होते नहीं है, इनको अपन क्या नहीं कह सकते फिश नहीं कह सकते। अब देखिए इनका जो साइक्लोस्टोमेटा का जो लार्वा है वो एमिसोड लार्वा कहलाता है, इसका एग्जाम्पल है पेट्रामाइजोन और है माइक्जिन। देखो पेट्रामाइजोन होता है इसे लैम्प्रे के नाम से जाना जाता है, ये जो लैम्प्रे होता है वो वास्तविक जो मछलियां होती है जो पाइसिस सुपर क्लास के अंदर रखी गई है, उस सुपर क्लास की फिशेज के अंदर लैम्प्रे होता है वो एक्जोपैरासाइट के रूप में या बाह्य परजीवी के रूप में ये पेट्रामाइजोन पाया जाता है। बात करते हैं अपन अब नेथोस्टोमेटा की, नेथो का मीन्स होता है जबड़े और स्टोम का मतलब होता है माउथ, वे एनिमल जिनके माउथ में क्या पाया जाता है जबड़े पाए जाते हैं, उन सभी एनिमल्स को नेथोस्टोमेटा के अंदर एड किया गया। देखिए इसके अलावा इसमें क्या होता है जो वर्टिबल कोलम होता है वो क्या होता है डेवलप टाइप का होता है, वर्टिबल कोलम होता है वो एक क्या होता है डेवलप टाइप का वर्टिबल कोलम पाया जाता है, और हेड होता है वो क्या होता है टू चेम्बर्ड हेड भी होता है इनमें, थ्री चेम्बर्ड भी होता है, फोर चेम्बर्ड हेड भी इनमें पाया जाता है। इनमें गिल्स भी रेस्पायरेशन के लिए भी होते हैं और हेड भी, गिल्स और लंग्स क्या होते हैं रेस्पायरेशन के लिए होते हैं। जब ये जो एनिमल्स जब पानी के अंदर रहते हैं तो गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं, जब ये लैंड पर रहते हैं तो ये लंग्स के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं। इसकी दो सुपर क्लास हैं, पाइसिस है और दूसरी है टेट्रापोडा। देखिए पाइसिस की बात करें तो पाइसिस जो सुपर क्लास है इसके अंदर बहुत सारी सभी फिशेज को रखा गया है। देखिए दुनिया के अंदर जितनी भी फिशेज होती है जिनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं उन सभी फिशेज को पाइसिस जो सुपर क्लास है उसके अंदर ऐड किया गया है। जैसे इकाइनोडर्मेटा की स्टारफिश है वो ट्रू टाइप की फिश नहीं है, उनके अंदर जबड़े एब्सेंट होते हैं तो वो क्या है फॉल्स टाइप की फिश है, जबड़े वाली जो फिशेज होती है वो ट्रू टाइप की फिशेज होती है, मछलियां होती है। अब देखो इसके अंदर थ्री क्लास है, एक है प्लेकोडर्माई, दूसरी है कॉन्ट्रैक्टिस और तीसरी है ऑस्ट्रक्थी। प्लेकोडर्माई, प्लेको का मीन्स होता है प्लेट, वे फिशेज जिनके अंदर प्लेट का बना हुआ कंकाल पाया जाता है उन सभी फिशेज को किसमें रखा गया प्लेकोडर्माई क्लास के अंदर रखा गया। ये जो इस ग्रुप की जो फिशेज है मछलियां हैं वो सारी एजिनेट सारी विलुप्त हो चुकी है वर्तमान में ये नहीं है। दूसरी कॉन्ट्रैक्टिस,
मतलब वे फिशेज जिनका कंकाल होता है वो उपास्थियों का या कार्टिलेज का बना हुआ होता है, उन सभी फिशेज को किसमें रखा गया, मछलियों को कॉन्टैक्ट फिश के अंदर रखा गया। भाई अस्थियां क्या होती है, अस्थियां कठोर होती है, उपास्थियां लचीली होती है, तो इन कॉन्टैक्ट फिश जो फिश होती है इनको उपास्थिल मछलियों के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल है स्कोलिडोन है, काइमेरा है और टोरपीडो। देखो स्कोलिडोन को कुत्ता मछली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें स्मेलिंग की कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। दूसरी होती है काइमेरा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फिश होती है उपास्थिल मछलियां होती है, ऑस्ट्रैक्ट फिश होती है वो अस्थिर मछलियों के नाम से जानी जाती है। अब ये जो काइमेरा होती है ये अस्थिर मछलियां और उपास्थिल मछलियों के बीच की संयोजक कड़ी भी मानी जाती है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं उपास्थिल मछलियों के होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं अस्थिर मछलियों के इनमें होते हैं। थर्ड फिश है वो टोरपीडो है। टोरपीडो को विद्युत रे के नाम से भी जाना जाता है, विद्युत रे के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करती है, करंट पैदा करती है। अब देखो बात करें थर्ड जो क्लास है वो है ऑस्ट्रक फिश। इस क्लास के अंदर उन फिशेज को ऐड किया गया जिनका अंतः कंकाल होता है वो बोन का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर है एग्जाम्पल है जैसे लेबियो है, कटला है, गैम्बूसिया, ठीक है ना। अब बात करें दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। देखो टेट्रापोडा, टेट्रापोडा मीन्स क्या होता है, टेट्रापोडा का मीन्स क्या होता है, टेट्रा का मीन्स होता है फोर, पोडा का मीन्स होता है फुट। वे एनिमल्स जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, फोर फुट पाए जाते हैं, उन सभी एनिमल्स को किसमें रखा गया, टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर रखा गया। इस सुपर क्लास में क्या होते हैं, इस सुपर क्लास की फोर क्लासेज होती है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया। बात करते हैं एम्फीबिया की। एम्फीबिया के अंदर उभयचरों को रखा गया, मतलब जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। जब वो जल में रहते हैं तो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं और स्थल पर भी रहते हैं तो वो क्या करते हैं, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसे एनिमल्स को एम्फीबिया के अंदर रखा गया। देखिए जैसे बात करें सेलामेंडर की, बात करें फ्रॉग की, जितनी भी स्पीसीज है, राना टिग्रीना है, वुफो है या हाइला है, उन सभी स्पीसीज को एम्फीबिया के अंदर रखा गया। रेप्टिलिया, इसमें क्या होता है, रेंगने वाले जंतु या जैसे डायनासोर है, लिजार्ड है, या बोल सकते हैं अपन स्नेक है, क्रोकोडाइल है, उन सभी को किसमें रखा गया, रेप्टिलिया क्लास में रखा गया। एविज, दुनिया के अंदर जितने भी पक्षी पाए जाते हैं उनको एविज क्लास के अंदर रखा गया। बात है मैमेलिया की, तो मैमेलिया के अंदर क्या रखा गया, मैमेलिया के अंदर मैमेलिया का मीन्स क्या होता है, मैमेलिया का मीन्स होता है वे एनिमल जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, वे एनिमल जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है या ब्रेस्ट पाए जाते हैं, उन सभी को किसमें रखा गया, मैमेलिया क्लास के अंदर रखा गया। जैसे मैमेलिया क्लास के अंदर डॉग जैसे मान सकते हैं, काऊ है, मतलब मान सकते हैं बफेलो है, अपन है, सभी क्या है, मेमल्स ही है, ठीक है। ये तो हुआ कोरिटा का क्लासिफिकेशन कम्प्लीटली। अब अपन एक एक क्लास को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास लेंगे पाइसिस, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, एविज। कम्प्लीटली क्लास को अपन क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक्स अ लॉट।